इस बार मिले कुछ या ना मिले, पर फॉर्मेट जमा करते के साथ ही मिल रही है एक बाल्टी। ये है दोस्तों इस बार का नया फॉर्मेट, ये है मेगा दैनिक भास्कर का मेगा ऑफर, जिसको फिल करेंगे अपन। कूपन चिपका है, अगर वापस से किसी को जरूरत हो एक कूपन की, ये मास्टर की या नॉर्मल की, वो मुझे कमेंट कर दे, मैं भेज दूंगा उसके पास। जैसे मैंने लास्ट टाइम भेजे थे वैसे ही भेज दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये है मेरा फॉर्मेट, देख सकते हो रेडी पूरा, वन से लेके सारे कूपन मैंने रेडी करके लगा दिए हैं एंड मास्टर कूपन नीचे लगा दिए हैं। राइट, हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत बंधन अभिनंदन सभी का दोस्तों। ब्लॉग में दोस्तों कुछ ना कुछ अटपटा मस्ती भरा चलता रहता है, उसी में आज मैं ब्लॉग जो है वो एक नए तरीके से पेश कर रहा हूँ आपके सामने। देख सकते हो मैं बैठा हुआ हूँ इस समय जमीन में आराम से, क्योंकि कुछ काम कर रहा था। क्या काम कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। सोचा ये सारा जो काम मैं कर रहा हूँ वो मे बी शायद बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, खासकर जिनके यहाँ दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर आता है। मे बी आप लोग न्यूज़पेपर का नाम सुन के समझ गए होंगे कि क्या है क्या नहीं है, और उसी की तैयारी में मैं लगा हुआ हूँ। तो सोचा ब्लॉग बनाते हुए आप लोगों से बातें करते हुए तैयारी करता हूँ, और फिर देखते हैं क्या होता है और क्या तैयारी कर रहा हूँ, किस चीज़ में लगा हुआ हूँ, क्या हो रहा है, चलो मैं दिखाता हूँ आपको, और उसी के साथ साथ बातें भी चलती हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ जिस चीज़ में मैं लगा हुआ हूँ, मतलब जिस चीज़ की मैं तैयारी कर रहा हूँ, वो है ये देख सकते हो आप लोग। इसको देख के तो आप लोगों को लग रहा होगा ये तो कहीं देखा देखा ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये है पुराना फॉर्मेट। आप लोगों को याद होगा मेरे ही चैनल पर आप लोगों ने देखे होंगे, कुछ समय पहले दैनिक भास्कर में एक ऑफर आया था जिसका नाम था आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसमें लकी ड्रॉ के द्वारा कुछ गिफ्ट वगैरह निकले थे। ये बैड लक, अच्छा तो नहीं लगा ना देख के, मतलब कि न्यूज़पेपर में जब पूरे सबके नंबर लिख के आए थे जो जो विनर्स के, वो देख के भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन ठीक है लक है, नहीं चला काम, और वही वापस से ट्राई कर रहा हूँ मैं। लास्ट टाइम जब मैंने ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो फॉर्मेट आया था पूरा लकी ड्रॉ निकला था, वो मैंने फिल किया था, आप लोगों को ब्लॉग भी दिखाया था, नहीं देखा हो तो जाके चैनल पर देख सकते हो। तो पर मेरा कोई भी लकी ड्रॉ में कोई भी गिफ्ट वगैरह कुछ भी नहीं निकला था, पर कोई ना चलता है। वापस से इस बार नया ऑफर, नया जो बोलना चाहिए कि एक गिफ्ट पाने का एक नया जरिया या नई स्कीम आ चुकी है जिसको मैं फिल कर रहा हूँ। वो कौन सी है देखो, मैं जिस बारे में बोल रहा हूँ ये तो थी पुरानी, इसको हटा देते हैं साइड से, अब कुछ काम की नहीं है। देख सकते हो इसके जो कूपन से मैं सब फैला के बैठा हुआ हूँ। देखो इधर मेरा फ़ोन रखा हुआ है, इधर आपका ये नए वाले फॉर्मेट रखे हुए हैं, इधर पूरा फैला के बैठा हूँ ज़मीन में, क्योंकि बिस्तर पे फैन चल रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और इसलिए मैं आराम से ज़मीन में बैठ के कर रहा हूँ। देखो ये है दोस्तों इस बार का नया फॉर्मेट, ये है मेगा दैनिक भास्कर का मेगा ऑफर, जिसको फिल करेंगे अपन, कूपन चिपकाएंगे बाकायदा प्रॉपर तरीके से, उसके बाद इसको करेंगे जमा। और इसके कूपन जो हैं वो ये रखे हुए हैं मेरे पास सारे, अभी इसकी कटिंग नहीं की हुई है मैंने। मेरे पास ओवरऑल बहुत सारे कूपन हैं, लगभग सारे हैं, बल्कि एक्स्ट्रा ही हैं। लास्ट टाइम भी दोस्तों मेरे पास एक्स्ट्रा कूपन थे, पर फॉर्मेट में क्योंकि पूरे कूपन चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लास्ट टाइम भी मेरे पास एक्स्ट्रा कूपन थे ना जो, तो वो मैंने सबको गिफ्ट कर दिए थे, मतलब जिन जिनको किसी को एक आध कमी हो रही थी, कुछ हो रहा था, तो वो मैंने उन लोगों को दे दिए थे। इस बार भी मे बी क्योंकि 30 टोटल जो है, नॉर्मली 30 कूपन शायद चिपकाने हैं, ये जो अपना फॉर्मेट है इसमें ये वाले जो कूपन्स हैं इनको सिर्फ मतलब करीब 30 के आसपास चिपकाना है, और 1, 2, 3, 4, 5 मास्टर कूपन चिपकाना है, जबकि मेरे पास टोटल 6 मास्टर कूपन है। देख सकते हो जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ टोटल 30 ये वाले कूपन्स चिपकाने हैं, नॉर्मल वाले जो स्टैंडर्ड कूपन है जिनका नाम, वो मेरे पास टोटल 63 है, क्योंकि मैंने पर डे एक एक कूपन काट के रखा हुआ है, और मास्टर कूपन की बात करें तो वो भी मेरे पास 6 हैं एक्स्ट्रा है।
अगर वापस से किसी को जरूरत हो एक कूपन की, या मास्टर की या नॉर्मल की, वो मुझे कमेंट कर दे, मैं भेज दूंगा उसके पास, जैसे मैंने लास्ट टाइम भेजे थे वैसे ही भेज दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिना किसी देर किए अब और बिना लेट हुए जल्दी से मैं अपनी कूपन्स की कटिंग करता हूँ और उनको पेस्ट करना स्टार्ट करता हूँ। बहुत बड़ा काम नहीं, बहुत बड़ा टास्क नहीं है। मैं ये वीडियो आपको पूरा दिखाऊंगा कि फॉर्मेट को चिपकाना कैसे है, भरना कैसे, कंप्लीट करने कैसे करना है, और उसके बाद जमा करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, कौन सी स्लिप मिलेगी और कैसे जमा होगा, वो भी मैं आपको सब बता दूंगा। तो फिलहाल करता हूँ मैं प्रोसेस स्टार्ट अपनी। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो मैंने जो है मास्टर कूपन्स है, देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 काट लिए हैं। छठवां नंबर जो है वो एक्स्ट्रा में है मेरे पास, वो मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि देख सकते हो सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 ही मास्टर कूपन चिपकाने हैं, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा में रखा। किसी को चाहिए हो तो कमेंट कर सकता है, फिर से बोल रहा हूँ मैं उसको भेज दूंगा और ये चिपका दूंगा। अब बारी आती है स्टैंडर्ड कूपन्स की, ये तो मेरे पास आप लोग देख सकते हो ढेर सारे हैं, 64 के 64 है, और चिपकाने यहाँ पर है सिर्फ 30। तो इनमें से मैं मतलब कि निकाल लेता हूँ लाइन से, 1, 2, 30 चिपका देता हूँ स्टार्टिंग के, एंड देन बाद में कोई से भी चिपका सकते हो। और आप इसमें फॉर्मेट में लिखा हुआ है कोई से भी कूपन आप चिपका सकते हो, सिर्फ 30 ये होने चाहिए, 5 ये होने चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि लाइन से हो या काउंटिंग से हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको भी मैं कटिंग कर लेता हूँ और इनको भी अच्छे से मैं रेडी कर लेता हूँ। देख रहे हो दोस्तों, नीचे बैठ के काम करने में मज़ा तो आता है प्रॉपर, क्योंकि जगह स्पेस ज़्यादा होता है, लेकिन ना अभी मौसम के कारण और पता नहीं क्यों मेरे घर में देख सकते हो चींटियों का तांडव नीचे बैठने नहीं दे रही है। इधर से पता नहीं कहाँ से इतनी ज़्यादा बढ़ते जा रही हैं। प्लीज़ चप्पल को इग्नोर करना, स्लीपर को मेरी, पर ये देखो चींटियों को देखो, ये देखो नीचे बैठ के काम करना मुश्किल कर दे रही हैं, इतनी सारी हो रही हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, मैंने रफली सारे कूपन्स प्रॉपर तरीके से काट लिए हैं और उनको सिस्टमेटिक तरीके से लगा लिया है। इसी फॉर्म में इनको चिपकाना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, देख रहे हो। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने सारे कूपन्स लाइन्स लगाए हैं, अभी नोटिस किया है कि मेरे पास एक 20 नंबर का कूपन नहीं है, तो डायरेक्ट 19 से 21 चिपका दिया है, 20 को स्किप कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है। बाकी के सारे कूपन्स रेडी हैं, यहाँ पर नाम, पता, मोबाइल नंबर एंड यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर भरना है, और उसके बाद इस फॉर्म को करेंगे चल के जमा। यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास कूपन नंबर 6 मास्टर का और बाकी के स्टैंडर्ड कूपन कितने सारे अभी भी बचे हुए हैं। तो किसी को भी अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, मेरे से मांग ले किसको कौन से नंबर का कूपन चाहिए, वो मैं भेज दूंगा। तो अब मिलता हूँ मैं आपको ये पूरा फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से चिपका के रेडी करके, नाम वगैरह सब फिल करके उसके बाद, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको पूरा का पूरा हर एक चीज़ दिखाता जाऊँगा, तो वो चीज़ स्किप करता हूँ, उसको रेडी करता हूँ और फिर मिलता हूँ। तब तक बने रहिए वीडियो पे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। सारा दोस्तों पूरा फॉर्मेट कंप्लीट करने के बाद अब फुर्सत हुई है, क्योंकि ना तो कटिंग करने में टाइम लगा और ना ही इसको पूरा को डेली कूपन कट करके रखने में, लेकिन जो टाइम लगा वो चिपकाने में इतना संघर्ष हो गया ना पूरा। तो रेडी है पूरा फॉर्मेट मेरा बिल्कुल चिपका के, अब इसको बारी है जमा करने की। तो ये है मेरा फॉर्मेट, देख सकते हो रेडी पूरा, 1 से लेके सारे कूपन मैंने रेडी करके लगा दिए हैं एंड मास्टर कूपन नीचे लगा दिए हैं। रही है इसमें अब सिर्फ नाम लिखना और एड्रेस वगैरह सारा फिल करना है, वो मैं आराम से अभी थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद आराम से करता हूँ। और इधर रखे हुए हैं एक्स्ट्रा कूपन, जिसको भी चाहिए वो मेरे से ले सकता है, और एक फॉर्मेट भी रखा हुआ है मेरे पास पूरा का पूरा एक्स्ट्रा में। तो
जिस किसी को भी चाहिए वो प्लीज कमेंट, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप चलते हैं इसको लेके जमा करने। जमा कैसे होता है, वहां पे क्या होता है, वो चीज वहीं पे चल के दिखाता हूँ। तो मिलता हूँ मैं वहीं पहुंच के। तो दोस्तों अंततः सारा काम हो चुका है, देख सकते हैं फॉर्मेट जमा करते टाइम फोटोकॉपी कराया गया और उसी के ऊपर रिसीविंग मिली मुझे। ये स्लिप देख सकते हो, ये कूपन फॉर्मेट जमा करने की रसीद है। अब इसी पे जो नंबर लिखा हुआ है उसी से लकी ड्रॉ 3 जुलाई को निकलेगा, जिसमें देखते हैं कि कुछ निकलता है या नहीं। इस बार दोस्तों एक काम अच्छा हुआ है, फॉर्मेट जमा करने के साथ साथ ही एक बाल्टी दे दी गई है हैंड टू हैंड। चलो अच्छा है, कुछ निकले चाहे नहीं निकले पर इतनी मेहनत करी, कम से कम बाल्टी तो सही। तो फाइनली पूरा काम हो चुका है जैसे कि मैंने बता दिया। अब बस वेट है लकी ड्रॉ के निकलने का और मे भी कुछ गिफ्ट निकले। उम्मीद तो है इस बार TVS की IQ मिलने वाली है अपन को, दुआ करना मिल जाए। बाकी देखते हैं। हाँ, लास्ट अगेन से वही कि किसी को भी 10 तारीख है अभी टाइम है, किसी को भी अगर कूपन की ज़रूरत है, मास्टर कूपन या कोई, तो वो मेरे से मांग ले, तो मैं आज मैं दे दूंगा। और कुछ मिले चाहे नहीं मिले, एक बाल्टी तो मिली गई है, चलो इतनी मेहनत करिए कम से कम, तो बाल्टी ही सही। बाकी मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए सॉरी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।